How to enable Google Chrome dark mode without dark mode option. Let's see, आपका किसी भी Android स्मार्टफोन में Google Play Store एप्लीकेशन को ओपन करना है और आपको Play Store में Google Chrome सर्च करना पड़ेगा। देखना है Google Chrome अपडेटेड है कि नहीं। आपका नहीं है तो कर लीजिए, मैं अपडेट कर लिया इसलिए ओपन दिखा रहा है। आपको बता दूं, हर कोई एप्लीकेशन डार्क मोड में क्यों आना चाहता है, इसका फ़ायदा बहुत सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेशन बैटरी कम ड्रेनिंग करेगा, यूजर्स का आँखों में प्रेशर कम पड़ेगा, रात में आप ज़्यादा देर तक अपना काम कर सकते हैं, स्पेशली डार्क मोड या फिर नाइट मोड बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम होने से रोकता है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब इसका वर्सन जरूर चेक करना, 74.0.3729.136 है कि नहीं, ये लेटेस्ट वर्सन है। उसके बाद बैग आना है और क्रोम को ओपन करना है। आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र वाइट मोड में है और इसमें डार्क मोड ऑप्शन नहीं है। इसको इनेबल करने के लिए आपको क्रोम कोलोन डबल स्लैश फ्लैक्स स्लैश हैश एनेबल एंड्रॉयड नाइट मोड गूगल क्रोम सर्च बार में टाइप करना है और ए सिक्योर गूगल क्रोम पेज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो नीचे लिंक को फॉलो करना। इस पेज का सर्च फ्लैक्स में आपको डार्क मोड टाइप करना है क्योंकि बहुत चीज़ें हैं गूगल क्रोम का क्रोम फ्लैक्स में, ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। देखिए दो ऑप्शन आ गया, पहले एंड्रॉयड वेब कंटेंट मतलब वेबसाइट्स डार्क मोड में होगा और क्रोम का जो यूआई है वो भी डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको डिसेबल दिख रहा है, दोनों को इनेबल करना है और क्रोम को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करा और फिर से क्रोम ओपन होगा। आप देख सकते हैं ब्राउज़र रिलोड हो रहा है, ये वेब कंटेंट के लिए डार्क मोड में कन्वर्ट होगा। आपको क्रोम यूआई को डार्क मोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको आपका स्मार्टफोन का जो रिसेंट बैकग्राउंड एप्लीकेशन है बैकग्राउंड से ऐप को हटाना है और पूरा क्रोम डार्क मोड में कन्वर्ट होकर जाएगा। वेरी इजी प्रोसेस, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। और गूगल क्रोम ब्राउज़र में कुछ सर्च करते हैं, apple.com और एप्पल का ऑफिशियल साइट खुल के आया। इसमें एप्पल का आईफोन्स और उसका स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, ऐसे क्वालिटी वीडियो छुपाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।